শুরু করোনা সংক্রমণ মোকাবেলায় সন্ধ্যে 6টা থেকে রাত্রিকালীন কারফিউ। শহরে কড়া টহলদারি পুলিশের। রাজ্যে করোনা সংক্রমণ বেড়েই চলেছে, তাই সংক্রমণ রোধে আগরতলা পুর নিগম এলাকায় রাত 10টা থেকে শুরু হয়েছিল রাত্রিকালীন কারফিউ। সংক্রমণের গ্রাফ ঊর্ধ্বমুখী হওয়ায় কারফিউর সময়সীমা রাত 10টার বদলে সন্ধ্যে 6টা থেকে করার সিদ্ধান্ত নেয় রাজ্য সরকার। শুধু তাই নয়, আগরতলা পুর নিগম এলাকা ছাড়াও পুর পরিষদ এবং নগর পঞ্চায়েত এলাকাগুলোতেও কারফিউ জারি করা হয়েছে। সেই মতো মঙ্গলবার সন্ধ্যে 6টা থেকে শুরু হয়ে গেছে কারফিউ, ভোর 5টা পর্যন্ত চলবে। আগরতলা শহরের বিভিন্ন জায়গায় পিকেট বসায় পুলিশ প্রথম দিন, তাই যারাই 6টার পর রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন তাদের বুঝিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়, যাতে বুধবার থেকে সময়ের আগেই বাড়ি চলে যান। जैसे आपने बताया पहले दिन है, आज अभी तक तो सिचुएशन काफी ठीक दिख रहा है, तो जो लोग भी वॉलंटरीली इसको पालन कर रहे हैं, हम लोग भी इसको एनफोर्स करते जा रहे हैं। जहां पे एक दो लोग दिख रहे हैं जो इसको वायलेट कर रहे हैं, हम लोग उसको समझा के फिर घर पे भेज रहे हैं। अभी तक किसी को डिटेन किया है? अभी तक तो जहाँ पे मेरे साथ टीम जो घूम रहा है, अभी तक तो हम लोग डिटेन नहीं किया। हो सकता है दूसरे जगह किसी को डिटेन किया हो, लेकिन हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि लोगों को डिटेन करें। हमारा उद्देश्य यह है कि लोग वॉलंटरीली इसको पालन करें। यदि कोई जानबूझ के इसको वायलेट करता है तब हम लोग इसको डिटेन करेंगे, अदरवाइज तो हम लोग डिटेन नहीं करेंगे। कुछ कुछ व्हीकल आ भी रहा है, तो उन लोगों को क्या पूछताछ कर रहे हैं और क्या सीजिंग कर रहे हैं? मैं जैसे आपको पता है ऑर्डर में ही लिखा हुआ है, जो ऑर्डर आया था डीएम सर से, कि उसमें लिखा हुआ है कि कुछ एग्जेम्प्टेड कैटेगरी से, जैसे मेडिकल, प्रेस एंड डेली एसेंशियल्स, इन लोगों का हम लोग देख के, या फिर अगर वो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में है तो हम लोग अलो कर रहे हैं, अगर नहीं है तो फिर हम लोग इसको समझा के पूरा, अगर उसका कारण क्या है वो देख के फिर हम लोग अलो कर रहे हैं। प्योर रिपोर्ट, चैनल दिन रात।